नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तिघरा प्रखंड अंतर्गत गोड़ा एक अवस्थित भगवती स्थान के समक्ष आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन गणेश वंदना वेदी पूजन के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण से क्षेत्र गुंजायमान रहा। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण का माहौल बना हुआ है। यज्ञ पंडाल में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा हुई। तीसरे दिन के प्रवचन के दौरान अयोध्या धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक राधेश्याम शास्त्री जी महाराज के द्वारा विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन व भक्ति से ओतप्रोत भजन पेश किया गया। अमृत वाणी सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान शास्त्री जी ने कहा कि भगवान को अगर पाना है तो मन में इस भाव को बसा लेना होगा कि मेरा सब कुछ मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है ठाकुर जी का ही है। उन्होंने भगवान की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहा कि माता पिता और गुरु के चरण पकड़ लो, किसी और की चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु की पावन कथा मन कर्म और वाणी को शुद्ध कर देता है। वही काम क्रोध लोभ ईर्ष्या वासना पाप आदि दुर्गुणों को दूर करती है। भगवान के विभिन्न लीलाओं का विस्तार और मनमोहक ढंग से वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। ज्ञान यज्ञ को देखने व सुनने को लेकर मंडप पंडाल में ग्रामीणों सहित अलग बलग गांव के सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। महंत प्रेमदास ब्रह्मचारी जी महाराज ने बताया कि प्रभु का अवतार प्राणियों की रक्षा एवं दुष्टों के संहार के लिए हुआ है। मौके पर सच्चा बाबा आश्रम के हरि ओम महाराज, आचार्य विजय शंकर मिश्र, हरीश शास्त्री, पप्पू पाठक, अशोक पाठक, अमित कुमार मिश्र के अलावा व्यवस्थापक बस सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।